बात करेंगे बजट बजट एक्सपेक्टेशंस की। रजत हमारे साथ जुड़े हैं और यही बात बताने के लिए कि रोटी कपड़ा और मकान में से मकान सस्ता करने जा रहे हैं। रजत के पास जो ऐसी इंफॉर्मेशन है, रजत ये क्या होम लोन में कुछ टैक्स छूट की बातें चल रही हैं? ये कितनी टैक्स छूट मिलने वाली है, कब मिल सकती, इसी बजट में मिलेगी या फिर थोड़ा और इंतजार करना होगा? बिल्कुल, सोर्सेज के बारे में जो खबर आ रही है वो है ये कि टैक्स छूट में बदलाव जो है वो साफ तौर पे हो सकता है और ये होम लोन्स में हो सकता है। देखिए, जो फिलहाल जो टैक्स छूट है वो प्रिंसिपल कंपोनेंट जो होम लोन पे उस पर 1.5 लाख और जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है उस पर 2 लाख के इंटरेस्ट जब आप पे आउट करते हैं तो उस पर टैक्स छूट देती है सरकार। लेकिन अब क्योंकि सरकार का फोकस यही है कि सबके लिए घर बनाने पर सरकार का फोकस है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को रिवाइवल करने के लिए और साथ साथ रियल एस्टेट इंडस्ट्री को रिवाइवल करने के लिए सरकार बहुत ज़्यादा जोर शोर से आगे बढ़ रही है, तो उसका एक सीधे तौर पे एक आप ये समझ लीजिए कि जो इंटरेस्ट पे आउट होता है जिसमें 2 लाख के टैक्स पे के इंटरेस्ट पे आउट पे आपको टैक्स छूट मिलती है वो दायरा बढ़ाया जा सकता है। कितना क्वांटम में बढ़ाया जाएगा ये तो अभी क्लैरिटी बजट के बाद ही आएगी, लेकिन जो इस समय सोर्सेज के हवाले से खबर है वो है ये कि जो 2 लाख की रकम है ये हायर एंड पे बढ़ सकती है और ये एक बहुत बड़ी राहत की खबर होगी होम बायर्स के लिए। देखिए, अभी हाल फिलहाल में जो नाइट फ्रैंक की एक स्टडी भी आई थी उसके हिसाब से भी जब से नोटबंदी लागू हुई है उसके बाद से जो रियल एस्टेट की जो मांग है देश भर में उसमें लगभग 44% का ड्रॉप आया है, तो उसको कहीं ना कहीं सुधारना बहुत इंपॉर्टेंट है, उस सेक्टर को उभारना नोटबंदी के इफेक्ट से के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इनफैक्ट उसके लिए अब अगर प्रिंसिपल में कुछ छेड़छाड़ नहीं होती लेकिन इंटरेस्ट कंपोनेंट डेफिनेटली हो सकता है कि इस बजट में एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट सरकार करती हुई नजर आए और जो 2 लाख की लिमिट है उसको हायर एंड पर रिवाइज किया जाए। ठीक है, इस बीच मेहरबान ईरानी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी एक बार व्यू ले लेते हैं पहले हाउसिंग सेक्टर का, उसके बाद रजत से एक दूसरा सवाल ये भी है कि क्या सस्ते घर अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर भी सरकार कोई अहम फैसला लेने वाली है, ये भी उनसे जानेंगे। मेहरबान, शुक्रिया पहले तो जी बिजनेस को समय देने के लिए। अभी जो रजत खबर बता रहे थे कि हाउसिंग सेक्टर को ना थोड़ा बूस्ट सरकार दे सकती है, वो होम लोन में कुछ टैक्स रिलीफ के तौर पर भी दे सकती है और हो सकता है कुछ एक और इंसेंटिवाइज भी उनको किया जाए, इस पूरे सेक्टर से जुड़ी हुई काफ़ी कंपनीज हैं, आपकी रेटिंग क्या कह रही है और आपका अपना एनालिसिस क्या कह रहा है, क्योंकि आपने कई बजट देखे हैं और शायद ये बजट अपने आप में बहुत अहम भी है। आई थिंक अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर या हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर से अगर आप मुझे पूछे तो मुझे पर्सनली लगता है जो रजत ने समझाया उसके अलावा आई थिंक लो कॉस्ट हाउसिंग या अफोर्डेबल हाउसिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देने की बातचीत चल रही है और इसमें अगर मुझे आप नाम देने को कहो तो मैं कहूँगा कि मुंबई बेस्ड एंड आउटस्कर्ट्स ऑफ मुंबई बेस्ड एक रियल एस्टेट डेवलपर है जिसे मैं एक दो साल पहले मिल चुका था और मुझे मैनेजमेंट अच्छी लगती है, वो पोदार डेवलपर्स। दूसरी कंपनी है अशियाना, गुरु हाउसिंग, टू सम एक्सटेंट इवन दीवान हाउसिंग एंड रैपको होम फाइनेंस। ये सारे पांचों पांच कंपनी के स्टॉक्स डेफिनेटली फोकस में हो सकते हैं बजट के पहले, बट स्पेकुलेटिंग ऑन दिस एंड बाइंग फॉर एन इन्वेस्टमेंट वुड बी अ वेरी डिफरेंट स्टोरी और उसके लिए मैं बजट के अनाउंसमेंट की राह जरूर देखूंगा। बट एज ऑफ नाउ आई थिंक रजत ने जो कहा उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ, डिस्टिंक्टली पॉसिबल है। एंड सेकेंड इज अफोर्डेबल हाउसिंग, अकॉर्डिंग टू मी जो प्रधानमंत्री कहते आ रहे हैं पिछले 2.5 साल से कि उनकी फोकस एरिया है, आई एम क्वाइट श्योर डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दे जाएगी या फिर डेफिनेटली इंसेंटिव दे जाएगी और उसमें मुझे पोदार हाउसिंग जैसे मैंने कहा मुझे मेरा टॉपिक रहेगा अलॉन्ग विद ग्रुप फाइनेंस। जी, इनफैक्ट मेहरबान ने जो बात कही उस पर और डिटेल्स रजत से भी ले लेते हैं, क्योंकि रजत भी अब यही बताने जा रहे हैं कि शायद हाउसिंग सेक्टर को इंफ्रा का दर्जा मिल सकता है या फिर और अफोर्डेबल इसको करने की कोशिश की जा सकती है। बताइए रजत, और क्या डिटेल्स हैं आपके पास? बिल्कुल, प्रायोरिटी सेक्टर स्टेटस मिल सकता है। देखिए, सिर्फ रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए ही नहीं है ये, क्योंकि इसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट होता है इकॉनमी पे, रोजगार बहुत बड़ा रियल एस्टेट सेक्टर प्रोवाइड करता है, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन, स्टील, सीमेंट, इनकी खपत बढ़ती है, तो अगर आप प्रायोरिटी सेक्टर एलोकेट कर देते हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री को तो वो एक कैस्केडिंग इफेक्ट पूरी इकॉनमी पर डालेगी और एक बड़ी अनाउंसमेंट बजट पे हो सकती है कि इसको प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर लाया जाए। फिलहाल हाउसिंग फॉर ऑल के जो टारगेट्स हैं उसको पूरा करने के लिए बेहद जरूरी है और ऊपर से मैं आपको बता दूं कि ग्राहकों के लिए तो कर्ज लेने में आसानी होगी ही, ब्याज दरों में एकदम से ड्रॉप देखेंगे आता हुआ, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़ी रियल एस्टेट इंडस्ट्री से जुड़ी जो कंपनियां हैं जो फिलहाल औसत 12-13% ब्याज पे पैसा उठाती हैं बाजार से, उनके लिए एकदम से सिग्निफिकेंट ड्रॉप होगा, इंटरेस्ट कॉस्ट में भारी कमी आएगी और अनुमान ये है कि 8-9% की दर पे जो है वो ब्याज दरें पहुंच सकती है उनके लिए, तो ये जो कॉस्ट
ऑफ फाइनेंस जो एकदम से कम होगा रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, वो एक बहुत बड़ा बूस्टर डोज पूरी इंडस्ट्री के लिए बन जाएगा। ऊपर से ईसीबी जो फंडिंग है उसमें कहीं ना कहीं एक बेनिफिट उनको आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि एकदम से जब नियम बदलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर के तो बहुत आसानी से ईसीबी फंडिंग जुटाई जा सकती है। तो अगर ये प्रायोरिटी सेक्टर मिलता है रियल एस्टेट इंडस्ट्री को तो आप ये समझिए कि बिल्कुल दिन फिर जाएंगे इन सभी कंपनियों के, और बहुत स्ट्रांगली ग्रोथ एक्सपेक्टेड है गोइंग फॉरवर्ड रियल एस्टेट, खासतौर से जो छोटे मझौली कंपनियां लो कॉस्ट हाउसिंग जुड़ी कंपनियां वहां पर अच्छी अच्छा स्कोप है गोइंग फॉरवर्ड। शुक्रिया रजत आपका। मेहरबान, जैसे और भी सेक्टर होंगे जो सीधा रियल एस्टेट से इंपैक्टेड होते हैं, वहां पे आपके कोई टॉपिक है क्या? क्योंकि रिट्स एक जगह है, सरकार इंफ्रा का दर्जा दे सकती है, टैक्स रिलीफ मिल सकता है होम लोन्स पे, बहुत कुछ है इस बार तो बजट में। नहीं, ऑनेस्टली आई थिंक मेरा थ्रस्ट अगर रहेगा हाउसिंग सेक्टर पर तो आई वुड नॉट डेफिनेटली गो विथ रियल एस्टेट प्लेयर्स। आई थिंक डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है कि पॉजिटिव आएगी सेक्टर के लिए, बट हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इंडिया द वे वी हैव इवॉल्व्ड ओवर द लास्ट मेनी ईयर्स, ये डिमोनेटाइजेशन से जो नेगेटिव इम्पैक्ट जो रियल एस्टेट को आई है, आई थिंक उसके जख्म को भरना आई थिंक जस्ट बाय अ बजट डॉक्यूमेंट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी ईजी, बट अफोर्डेबल हाउसिंग को डेफिनेटली मैं फोकस में रखूंगा। और इसलिए मैंने कहा कि पौधा डेवलपर्स, ग्रू फाइनेंस, मे बी रैपको होम फाइनेंस, दिस टाइप ऑफ स्टॉक्स, आशियाना आई थिंक कुड बी इन फोकस। और अगर इसमें कोई एक्सपोजर लेना चाहे तो आई थिंक माई अप्रूवल वुड डेफिनेटली कम फॉर दोज इन्वेस्टर्स हु बाय इनटू सच टाइप ऑफ स्टॉक्स रादर देन पॉसिबली बाय इनटू हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज एंड अदर्स एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट।